नेटवर्क नहीं काम कर रहा था बारे में सही बता रहे भैया होती है यह जिला प्रशासन से के द्वारा जो कार्यवाही की गई है उसके विरोध में दुकानदारों ने स्वतः बंद कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा एक एक टैबलेट की बिल मांगी जा रही है, एक एक टैबलेट की खरीद और एक एक टैबलेट की बिक्री। इस महामारी काल में क्या यह संभव है जो कि हर टैबलेट और हर इंजेक्शन का बिल रखा जा सके? लोग आते हैं उनको पहले देखा जाए या बिल काटा जाए? तो एक टैबलेट के लिए एक टैबलेट की कमी पर FIR कर दिया गया है, सिर्फ एक टैबलेट की कमी पर, ये कहा कि, और कोई समय नहीं दिया जा रहा है। मतलब अभी आए तो आपका आप लोगों के बीमार लोगों को छोड़ दीजिए और तत्काल आप हमारा पहले हिसाब दीजिए। तो पहले हमारा प्राथमिकता क्या होगा, दवा बीमारों को देने की और या पहले हिसाब देने की? हिसाब देने में सिर्फ एक टैबलेट की कमी आई है और उसके बाद उन पर FIR कर दिया गया। आप बताइए, जो हम लोग दवा दुकानदार लोग निरंतर पिछले लॉकडाउन से अभी तक सेवा देते आ रहे हैं, और आप लोगों की जानकारी में होगी जो इस सेवा देने के दौरान हमारे कितने ही साथी कोरोना संक्रमित होकर गुजर गए, क्या सरकार ने हमारे लिए कौन व्यवस्था किया है? ना हम फ्रंटलाइन वर्कर हैं, ना कोरोना वॉरियर हैं, कुछ नहीं। डॉक्टर्स चेंबर में नहीं बैठते, लेकिन हम लोगों की सेवा करते हैं। कोई दुकान आपको इतने दिनों में दिखा जो कि बंद कर दिया हो, उसके घर में कोरोना हो गया तो ही बंद हुआ, दुकानदार मर गया? मेरा आज के दिन कई दुकानदार मेरे जिंदगी और मौत के से जूझ रहे हैं। मैंने ऋषि साहब को 4 तारीख को इस संदर्भ में चिट्ठी दिया जो, सर कम से कम 2 से 3 दिन का समय दीजिए दुकानदारों को ताकि वो अपना काम निपटा के और आपके पास अपनी कागजात को प्रस्तुत कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डीसी साहब के निर्देश पर मजिस्ट्रेट और हमारे जो पदाधिकारी लोग हैं वो कल 3 दिनों से कर रहे हैं, चास में, सेक्टर 4 में, सब जगह FIR कर रहे हैं। रही बात कालाबाजारी करने की, बहुत सारी बातें आ रही है कालाबाजारी। आपको मैं बताऊं, जो बोकारो जिला में कभी भी कालाबाजारी नहीं हुई है। कालाबाजारी मतलब होता है MRP से ऊपर लेना। एक भी जिला प्रशासन प्रूफ दे जो कि MRP से किसी से भी ऊपर लिया गया हो। अच्छा, आप ये बताइए, ये सांकेतिक आपका हड़ताल है या अनिश्चितकालीन? हम अभी DC साहब से मिलेंगे, उनसे इस विषय पर बात करेंगे, उसके बाद हम कुछ निर्णय लेंगे, क्योंकि इस तरह से हम लोगों की सेवा भी करें, कोरोना से संक्रमित भी हों, हम मारे भी जाएं और जिला प्रशासन हमें पूछे भी नहीं और हम पे डंडा भी चलाए, FIR भी करे और कालाबाजारी करने वाला भी कहे, तो क्या जरूरत है भाई? हम अपने परिवार और अपनी की रक्षा के लिए अपने घर में रहेंगे। क्या नाम है आपका? दवा दुकान चलाने के लिए हमें कोई सरकार से राशि नहीं मिलती, ना ही हम सरकार से किसी भी तरह की सहायता प्राप्त होकर चलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुजीत चौधरी हुआ। हड़ताल है? ऐसा है कि हड़ताल नहीं है, हड़ताल नहीं है, सांकेतिक विरोध है अन्याय के खिलाफ। पूरे भारतवर्ष में एक भी दवा दुकानदार बोल दे कि मैं अपने दुकान की सारी दवाओं का एक एक टैबलेट किस किस व्यक्ति को बेचा, वो अगर साबित कर दे तो हम लोग दवा दुकान को का लाइसेंस सरेंडर कर देंगे सरकार को। आप 1 रुपये का एनाल्जिन, 1 रुपये का पैरासिटामोल किसको बेचे, इसका रिकॉर्ड देना संभव नहीं है। जैसा हमारे महासचिव ने, आज आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? शहर के 80% डॉक्टर मरीजों को अपने हाल पर छोड़ के अपने घर में दुबक के बैठ गए हैं। मानवता की सेवा का संकल्प लिया था उन लोगों ने, और आज नीम हकीम दवा दुकान दवा खोल के बैठे हुए हैं। मरीज सामने BGH है, मरीज आके रोते हैं ये दवा दीजिए। झारखंड सरकार ने गाइडलाइन इशू किया है, ये 6 दवा चलनी चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, उन 6 दवाओं में से 4 दवाओं का स्टॉक होलसेल से खत्म हो चुका है, जिसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन, होलसेल में नहीं मिल रहा है। अब जाके दिलाइए हमें,
पैरासिटामोल 670 एमजी की लूट हुई है, पैरासिटामोल नहीं मिल रहा दुकानदारों को, बेचेंगे क्या? उसके ऊपर मरीजों की भीड़ भाड़, हम कोरोना में एक्सपोज है आप ही की तरह, कोई हमारा लेने वाला नहीं है सूद। उसके बाद ये अन्याय, आपने अगर 6 पत्ता लिया पैरासिटामोल, 5 पत्ता का बिल दिखा दिया है, 1 पत्ता 19 रुपये का, अगर बिल नहीं मिला है उसके लिए एफआईआर किया जाता है। ये कैसा लोकतंत्र है, कैसा न्याय है, कैसी विडंबना है? किस दुकान पर एफआईआर हुआ था? A2Z एंड बालाजी। नहीं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पुनेंदु कुमार सिंह।